नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। इथिका लैकिंग बिगनर कोर्स में आप सभी का वेलकम। जी हां दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था स्टूडेंट्स का कि सर आप मुझे इथिकल हैकिंग के बारे में बताइए या इथिकल हैकिंग पर आप कोई कोर्स बनाइए। तो मैंने एक बिगनर लेवल का इथिकल हैकिंग कोर्स डिज़ाइन करा है जो कि एक लेवल सेट करेगा सभी का एडवांस लेवल के लिए। इस कोर्स में हम जानेंगे इथिकल हैकिंग क्या होती है, इसमें हम जानेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किस तरह से किया जाता है। इस कोर्स में मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा, 100% प्रैक्टिकल मैं इस कोर्स में बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट जितनी थ्योरी हमें नेसेसरी है उतनी हम कवर जरूर करेंगे। अब चलिए, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ, स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कोर्स को यदि आप स्टार्ट करने वाले हैं तो पहला काम आप ये करिए कि इसके पहले के दो कोर्स जो मैंने डिज़ाइन करे उसे आप पहले कंप्लीट कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों कोर्स आपका एक लेवल सेट करेगा जिससे जो मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ वो आप भी कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको इन दोनों कोर्स की डिटेल पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे इथिकल हैकिंग। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाइएगा thehackerworld.com। इस पे आपको पहला कोर्स मिलेगा ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स फॉर हैकिंग लैब सेटअप फॉर हैकर। दूसरा कोर्स मिलेगा काली लिनक्स फंडामेंटल। देखिए पहला जो कोर्स है ये आपका एक लेवल सेट करेगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से हम वर्चुअल एक नेटवर्क बना सकते जिसमें हम अटैक करने के लिए सर्वर प्लेस कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करना है तो आपको वर्चुअल बॉक्स का चलाना आना चाहिए। जो भी मैं कोर्स में प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, आप चाहते हैं कि आप अच्छे से कर पाए तो ये वर्चुअल बॉक्स का जो कोर्स है ये इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। दूसरा कोर्स है काली लिनक्स फंडामेंटल। देखिए पूरा कोर्स मैं काली लिनक्स पे ही आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप इसे अच्छे से डील कर पाएंगे। इस कोर्स में मैंने लिनक्स की फंडामेंटल और बेसिक कमांड कवर करा है जो कि आपका एक लेवल सेट करेगा जिससे आप लिनक्स फ्रेंडली हो जाएंगे। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस दोनों कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं इथिकल हैकिंग की। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि सर हैकिंग क्या होता है, तो हम हैकिंग को पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हैकिंग का मतलब मान लीजिए मेरा एक सर्वर है, उस सर्वर में किसी तरह की कोई वल्नरेबिलिटी है, एक हैकर आता है उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका वो एक्सप्लॉइट सर्च करता है और उस वल्नरेबल सर्वर को हैक कर लेता है, इस कॉल्ड हैकिंग। अब इसे और मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक मेरा सर्वर है जिसे एक अनऑथराइज पर्सन जिसे मैंने ऑथराइज नहीं किया है वो आता है, वो मेरी परमिशन के बिना उसे कॉम्प्रोमाइज करता है या डेटा मैनिपुलेट करता है, रीड करता है, राइट करता है या किसी तरह का कोड एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि उसने मुझसे परमिशन नहीं ली थी, इसलिए हम इसे बोलेंगे हैकिंग। कुछ केसेस में कुछ अटैक ऐसे होते हैं कि आप यदि अटेम्प्ट भी करते हैं तो वो हैकिंग में कंसिडर किया जाता है, राइट। तो आप ये मान के चलिए यदि आपने किसी सर्वर को या किसी नेटवर्क के पीसी को उस नेटवर्क या उस सर्वर ओनर के परमिशन के बिना एसेस करने की कोशिश करी या एसेस किया तो उसे हम हैकिंग मानते हैं, राइट। अब बात करते इथिकल हैकिंग की। इथिकल हैकिंग इट मीन्स आप ये मानिए कि जो एक हैकर करता है वही सारे काम हम भी करते हैं, बस एक स्टेप अलग होती है हमारी, वो है परमिशन। कि हम जब किसी सर्वर को वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते या आप बोल लीजिए कि हम उसकी जब वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो उसके पहले ऑनर हमें लीगल डॉक्यूमेंट देता है जिसमें परमिशन दी जाती है हमें इस काम को करने के लिए। आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम पहले ऑनर से परमिशन लेते फिर ये सारे स्टेप्स हम करते हैं। आप यदि सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इथिकल हैकर को कंपनियां अपॉइंट करती है ये देखने के लिए कि उसके जो सर्वर से वो सिक्योर है या नहीं है, राइट। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जब कंपनियां हैकर को अपॉइंट करती है तो उसको वो ऑथराइज करती है कि आप हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी सर्वर है उसके अंदर यदि किसी तरह की वल्नरेबिलिटी है तो उसे आप फाइंड आउट करिए और हमें बताइए, जिससे कि कोई हैकर उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढे और हैक कर ले उसके पहले ही हम उसे पेच कर दें। इट मीन्स इथिकल हैकिंग इसलिए ज़रूरी है, यदि आप
वल्नरेबिलिटी को हैकर्स के पहले आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसे पैच नहीं करेंगे, तो वो सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जिससे कि वो हैकर उस सर्वर से सारा डेटा निकाल सकता है, चोरी कर सकता है, राइट। आगे हम चलते बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी तरह की वीकनेस होती है, जो कि सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है, हार्डवेयर में भी हो सकती है, किसी तरह के फर्मवेयर में भी हो सकती है, या तक कि प्रोटोकॉल्स में भी हो सकती है। अब वल्नरेबिलिटी ही एक मात्र जरिया होता है जो कि हैकर को अलाउ करता है अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए। आप ऐसा मान लीजिए कि एक मेरा घर है, उस घर में मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। अब मेरी जो बालकनी की हाइट है वो इतनी है कि कोई भी फोर व्हीलर के छत पे आके मेरे बालकनी में आ सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक वल्नरेबिलिटी हो गई, जिसका यूज़ करके चोर मेरे घर में चोरी कर सकता है। अब इसका जो पेच है वो ये है कि मैं अपनी बालकनी में एक जाली लगा दूँ, एक नेट लगा दूँ, या किसी तरह का शील्ड लगा दूँ कि वो मेरे बालकनी के अंदर ना आ पाए। इसी तरह से हम वल्नरेबिलिटी को पैच करते हैं। इट मीन्स मान लीजिए सर्वर में किसी तरह की वल्नरेबिलिटी है, तो जिस सर्वर में वो वल्नरेबिलिटी है उसका किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से लिंक होगा। इट मीन्स मान लीजिए मैं एक अपाचे सर्वर ऑपरेट कर रहा हूँ और अपाचे सर्वर में किसी तरह की वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी इट मीन्स कमजोरी, तो अपाचे ने उसका एक नया वर्जन लॉन्च किया होगा जिसमें उस वल्नरेबिलिटी को पैच किया गया होगा, फुलफिल किया गया होगा। उस वर्जन को हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि वो वल्नरेबिलिटी पैच हो जाएगी। अब बात करते हैं हम एक्सप्लॉइट कोड की या एक्सप्लॉइट की। अब देखिए एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट एक पीस ऑफ कोड होता है जिसका अटैकर यूटिलाइज करके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। सिंपल है, राइट। इसमें क्या हुआ, अटैकर ने सबसे पहले उस वल्नरेबिलिटी को सर्वर के अंदर से आइडेंटिफाई करा, उस वल्नरेबिलिटी का जो वर्जन उसे मिला था उस वर्जन का उसने एक्सप्लॉइट कोड सर्च करा। वो सर्च करने के बाद जो उसे एक्सप्लॉइट कोड मिला है उसे वो कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और सर्वर को अनऑथराइज एक्सेस करेगा। इट मीन्स एक्सप्लॉइट उस कोड को हम बोलते हैं जो कि वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सर्वर के अंदर अटैकर को ले जाता है, या फिर वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज यूज़ करने के लिए हैकर जिस कोड को यूज़ करता है उसे हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट की हम बात करते हैं। ऐसे तो एक्सप्लॉइट के बहुत से टाइप होते हैं, लेकिन पहला जो टाइप है अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस, ऐसा एक्सप्लॉइट जो कि पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को यूटिलाइज करके सर्वर से डेटा को रीड करने की आपको परमिशन देता हो उसे हम बोलते हैं अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस एक्सप्लॉइट। अब दूसरे एक्सप्लॉइट पर हम आते हैं, इसको आरबीटी कोड एजुकेशन एक्सप्लॉइट, ऐसा एक्सप्लॉइट जो कि पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को यूटिलाइज करके सर्वर पे आपके कोड को रन कर सकता है, ये कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिससे कि अटैकर आपके सर्वर का रिमोट कनेक्शन बना सकता है। इस तरह के एक्सप्लॉइट को आरबीटी कोड एजुकेशन एक्सप्लॉइट कहा जाता है। अब आगे कंटिन्यू हम करते तीसरे पॉइंट पर हम आते, बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक्सप्लॉइट की। ऐसे एक्सप्लॉइट जो कि पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को डिनाई कर दे, इट मीन्स मान लीजिए मेरा एक अपाचे सर्वर है जो कि अभी रनिंग में, अटैकर ने एक एक्सप्लॉइट को रन करा जो कि मेरे उस अपाचे के पर्टिकुलर वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वल्नरेबल था, उस वल्नरेबल वर्जन का उसने एक्सप्लॉइट यूज़ करा जिससे कि वो डेटा को रीड नहीं कर पा रहा है, अपना कोड मेरे सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, बट वो मेरे सर्विस को डाउन कर सकता है। इसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इट मीन्स ऐसा एक्सप्लॉइट जो कि सर्विस को डिनाई कर दे। तो इस तरह के एक्सप्लॉइट को डिनायल ऑफ सर्विस एक्सप्लॉइट हम बोल सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते बात करते वेब एक्सप्लॉइटेशन की। ऐसे एक्सप्लॉइट कोड जो कि किसी वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करे उन्हें हम बोल सकते वेब एक्सप्लॉइटेशन। आगे कंटिन्यू करते बात करते डेसी चैनिंग की। तो मान लीजिए अटैकर को किसी कंपनी के नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो उसने जो भी स्टेप्स लिए उसके बाद उस नेटवर्क का एक पीसी उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब मान लीजिए उसे उसी पीसी के भ्याप पर किसी और पीसी को एक्सप्लॉइट करना है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं डेसी चैनिंग। इसमें अटैकर किसी नेटवर्क का पहला पीसी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उस भ्याप पर वो दूसरा पीसी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इसी तरह से इंटरनली जो नेटवर्क से उनको भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, इसे हम बोलते हैं डेसी चैनिंग। बात करते हैं बॉटनेट की। तो बॉटनेट दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पहला वर्ड है बॉट और दूसरा वर्ड है नेट।
बॉट जो आया है ये रोबोट से आया है, नेट आया है नेटवर्क से, इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनाए बॉटनेट। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है बॉट मास्टर और दूसरा होता है बॉट क्लाइंट। इट मीन्स मान लीजिए मैंने टोरेंट से किसी तरह का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, उस सॉफ्टवेयर के साथ कीजेन आया, उसे मैंने यूटिलाइज करा और उस सॉफ्टवेयर को मैंने क्रैक कर लिया। अब इसमें बैकग्राउंड में क्या हुआ, जिसने टोरेंट पर उस सॉफ्टवेयर को पब्लिश किया था उसने उस कीजेन के अंदर एक बॉट क्लाइंट प्लेस कर दिया, जो कि मैंने अपने पीसी पर डाउनलोड करा, उसे एग्जीक्यूट करा, तो मेरा जो पीसी था वो कॉम्प्रोमाइज होकर उस बॉट मास्टर का बॉट क्लाइंट बन गया। इट मीन्स जो भी बॉट मास्टर होगा जिसने उस कोड को राइट करा या बॉटनेट बनाया है, वो मेरे पीसी को रिमोटली एसेस कर सकता है या मेरे पीसी का यूज़ करके वो किसी तरह के अटैक को अंजाम दे सकता है। तो जनरली क्या होता है कि जो बॉट मास्टर होते ये कई पीसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक नेटवर्क बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बॉटनेट। आगे कंटिन्यू करते, अब बात करते हैं CIA ट्राइड की। अब CIA ट्राइड हमारी फील्ड या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि CIA ट्राइड से ही हमें वल्नरेबिलिटी की सबिलिटी डिफाइन करने के लिए स्किल्स मिलता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसे क्या सबिलिटी हमें देना है ये डिफाइन CIA ट्राइड करता है। अब CIA की हम बात करते हैं, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी और A फॉर अवेलिटी। अब बात करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की। अब देखिए थ्रेट्स इट मीन्स वो रास्ते जहाँ से अटैकर आपके सर्वर या आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करता है। अब इसे सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा एक सर्वर है और आप उस सर्वर के क्लाइंट हैं, राइट। क्लाइंट आपका लैपटॉप है जो कि सर्वर से डेटा लेता है, अपलोड करता है, वो सारी चीज़ें करता है। अब अटैकर को मेरे सर्वर को हैक करना है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे सर्वर पे वो डायरेक्ट अटैक करे या फिर आपके पीसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर वो सर्वर पे अटैक करे, राइट। तो इसे हम बोलते हैं होस्ट। इट मीन्स जो क्लाइंट या सर्वर है दोनों ही वल्नरेबल्स हो सकते हैं, इन दोनों का इम्पैक्ट होता है तो इन दोनों को हम होस्ट बोलते हैं। होस्ट के ऊपर नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज हो सकती है जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके फुटप्रिंटिंग करके निकाली जा सकती है, राइट। आगे बात करते एप्लीकेशन की। इट मीन्स जो मेरा सर्वर है या जो आपका क्लाइंट पीसी है, अगेन दोनों पर किसी तरह का सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर होगा या एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड होगी। जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर है वो वल्नरेबल हो सकता है, तो अटैकर उन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपके सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इट मीन्स आपका जो पीसी है वो मान लीजिए कि उस पर जो हार्डवेयर है वो तो प्रॉपर है, या जो आप OS यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रॉपर है, बट आपने किसी तरह का सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन उस पर कॉन्फिगर्ड किया है वो वल्नरेबल है, राइट। तो अटैकर अगला अप्रोच करता है होस्ट के बाद एप्लीकेशन को वो हैक करने की कोशिश करता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते, बात करते फिजिकल की। फिजिकल सिक्योरिटी किसी भी सर्वर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कई बार होता है कि कॉलेजेस में स्टूडेंट सर्वर रूम तक चले जाते हैं, उस सर्वर को एसेस भी कर लेते हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसी तरह से मान लीजिए कोई कंपनी का एक नेटवर्क है, उस कंपनी में केवल और केवल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को ही परमिशन होती है उस सर्वर तक जाने की, लेकिन हो सकता है किसी तरह से कोई अनऑथराइज पर्सन उस सर्वर रूम तक चला जाता है और उस सर्वर को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करके बाहर आ जाता है, जिससे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में उस सर्वर को रिमोटली एसेस करके डेटा को रीड राइट या एग्जीक्यूट भी कर सकता है। आगे हम बात करते, इससे आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि उस सर्वर को हम सिक्योर बोल पाए। उस सर्वर की फिजिकल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, राइट। यदि फिजिकल सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो कभी सिक्योर नहीं हो सकता है। आगे हम बात करते कि उस सर्वर का एंड ऑफ लाइफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक हार्डवेयर का अपना एंड ऑफ लाइफ होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हार्डवेयर कभी भी ख़राब हो सकता है, स्पेशली हार्ड ड्राइव। मान लीजिए एक सर्वर है जिसमें करीबन 3 साल से मेरा डेटा स्टोर है, मान लीजिए वो हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है, राइट। मैं नई हार्ड ड्राइव ज़रूर ला सकता हूँ, बट वो डेटा अब मेरे पास आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, राइट। अभी मान के चलते कि नहीं आएगा,
राइट। तो जो सर्वर है उसका जो एंड ऑफ लाइफ है वो हमें इंश्योर करना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, स्पेशली हार्ड ड्राइव के केस में, कि उसकी हार्ड ड्राइव कभी भी खराब हो सकती है। तो हार्ड ड्राइव का एंड ऑफ लाइफ हमें चेक करना होता है, ऐसा ना हो कि सर्वर के हार्ड ड्राइव खराब हो जाए, राइट। तो किसी भी तरह का हार्डवेयर आप अपडेट करते रहे यदि आपके पास सर्वर है तो, स्पेशली हार्ड ड्राइव। आगे चलते बात करते पावर की। तो पावर इटमीन्स जो सर्वर है उसे पावर नॉन स्टॉप मिलना चाहिए। इटमीन्स मान लीजिए एक सर्वर है जो कि 24/7 चलता है और सर्वर रूम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी वो डाउन हो जाती है या पावर कट हो जाता है, फिर उस सर्वर का क्या होगा? उस सर्वर पर फिजिकली डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लग गया है, क्योंकि अब उस सर्वर के जो भी क्लाइंट है उसे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, जो सर्वर है उसे जो पावर मिल रहा है वो नॉन स्टॉप मिलते रहना चाहिए, राइट। आगे हम बात करते हुमैन की। इट मीन्स जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है हुमैन वो सबसे ज़्यादा मायने इसलिए रखता है। मान लीजिए कि कोई एक सर्वर है जिसे अटैकर हैक नहीं कर पा रहा है, उसने सारे तरीके यूज़ कर लिए, सारी तरह की वल्नरेबिलिटी उसने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, बट सर्वर अपडेटेड है जिसकी वजह से उसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। अब वो सर्वर को किस तरह से हैक करने की कोशिश करेगा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। पहला, वो कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय का सिस्टम हैक करेगा। अब एम्प्लॉय का सिस्टम कैसे हैक करेगा, मान लीजिए उसने एम्प्लॉय को एक मेल या एक लिंक भेजा, उस लिंक पर जब एम्प्लॉय जाता है एक मलेशियस सॉफ्टवेयर उसके पीसी में डाउनलोड हो जाता है जो कि अटैकर को उस एम्प्लॉय के पीसी का रिमोट एक्सेस दे देता है। अब उस पीसी के भ्याप पर वो नेटवर्क के अंदर आ जाता है, फिर दूसरे पीसीज को वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो वल्नरेबिलिटी थी वो थी एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय को पता नहीं था उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो हुमैन है वो सबसे वीकनेस कड़ी होता है किसी भी नेटवर्क को हैक करने के पीछे, राइट। अब आगे हम बात करते कि इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है हुमैन। हुमैन इट मीन्स कोई कंपनी का ऐसा एम्प्लॉय है जो कंपनी के अंदर बैठकर कंपनी के सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है, तो आप इसे मलेशियस एम्प्लॉयज बोल सकते हैं। इसी तरह से कोई विजिटर कंपनी के अंदर आता है और उसे हैक करने की कोशिश करता है, वो एक हैकर हो सकता है। तो ये भी हुमैन में कंसिडर किया जा सकता है। आगे कंटिन्यू करते बात करते नेचर की। इट मीन्स सर्वर जिस लोकेशन पर रखा है वो लोकेशन कैसी है, क्या मायने रखती है, वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। मान लीजिए आपने सर्वर को जिस लोकेशन पर रखा है अचानक से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण उस लोकेशन पे पानी भरा जाता है, तो हुआ ये कि सर्वर पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म हो चुका है, क्योंकि आपने जिस लोकेशन पर सर्वर को प्लेस करा वो सिक्योर नहीं था। इसी तरह से कई बार होता है कि सर्वर को कुछ ऐसे लोकेशन पर प्लेस कर दिया जाता है जहाँ नेचर डिजास्टर आते रहते हैं, राइट। तो आपको ये श्योर करना है कि सर्वर की जो लोकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए जहाँ किसी तरह का नेचर डिजास्टर ना आता हो। आगे बात करते नेटवर्क की। अब पहला जो सिक्योरिटी थ्रेट था वो था होस्ट, उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर जो एप्लीकेशन यूज़ की जा रही है वो वल्नरेबल हो सकती है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसे जो एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है वो वल्नरेबल हो सकता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि नेचर जहाँ सर्वर रखा है वो वल्नरेबल हो सकता है। तो इन सारी वल्नरेबिलिटी को भी आपने फिक्स कर दिया, पेच कर दिया, तो लास्ट जो वल्नरेबिलिटी होता है कि सर्वर के पास जो डेटा आ रहा है क्लाइंट के पास से, एडमिन क्लाइंट ने जो डेटा सर्वर को सेंड करा अटैकर बीच में ही उसे हैक करने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो वीकनेस होती है वो होती है नेटवर्क। इट मीन्स नेटवर्क के अंदर जो वल्नरेबिलिटी है उसे अटैकर किस तरह से यूटिलाइज करके उस इंफॉर्मेशन के भ्याप पर सर्वर पर अटैक कर सकता है, राइट। इसमें ये हो सकता है कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बीच में किसी तरह का इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड किया गया था, लाइक आईडी पासवर्ड, राइट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के भ्याप पर अटैकर आपके सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसे नेटवर्क के अंदर स्निफिंग या स्पूफिंग करने के बाद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अटैकर अटैक्स लगाते किस लोकेशन से। अधिकतर केस स्टडी में ये बात सामने आती है कि एक कंट्री का हैकर किसी दूसरी कंट्री के सर्वर्स को हैक करने की ज़्यादा कोशिश करता है बजाय उसी कंट्री के किसी सर्वर पर अटैक लगाने के। दूसरा, उसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय कंपनी के बाहर से अटैक लगाने की कोशिश कर सकता है।
तीसरा, कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के अंदर रहकर अटैक लगाने की कोशिश कर सकता है। ये तीन लोकेशन से जहाँ से अटैकर्स अटैक करते हैं, पहला कि वो कंट्री के बाहर से अटैक कर रहा हो, दूसरा कंट्री के अंदर से अटैक कर रहा हो, तीसरा कंपनी के अंदर से ही एक सर्वर को हैक करने की कोशिश करता हो। आगे बात करते कि अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं। अब अटैक वेक्टर्स आप बोल सकते हैं कि वो नंबर ऑफ थिंग्स जिसका अटैकर यूज करके सर्वर को हैक करता है। पहला होता है अनपेच ओएस एंड सॉफ्टवेयर। अटैकर ऐसे सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करता है या फिर सर्च करता है जो कि वल्नरेबल हो। इट मीन्स आपके नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ सर्वर्स यूटिलाइज हो रहे, बट उन सर्वर में से कुछ सर्वर्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी पुराने वर्जन आप ओएस को यूज कर रहे हो, किसी पुराने सॉफ्टवेयर की सर्विस को यूटिलाइज कर रहे हो, तो अटैकर इन्हें आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका सर्वर है नो डाउट वो पेच है, इट मीन्स उस पर किसी तरह की कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, बस एक गलती हमने कर दी है कि उसका जो पासवर्ड है वो वीक है। इट मीन्स अटैकर इजीली उस पासवर्ड को गेस कर सकता है। आगे हम बात करते, अगला होता है इंटरनल यूजर्स। जो इंटरनल यूजर्स है वो भी सर्वर पे अटैक करते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बिहाफ पर। तो ये भी हमें याद रखना है कि कोई इंटरनल अटैकर सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ये हम इंश्योर करें। आगे हम चलते बात करते अगले अटैक वेक्टर की, वो होता है मालवेयर। मालवेयर इट मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके पीसी के लिए हार्मफुल हो। अधिकतर हैकर किसी सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मालवेयर्स का यूज करते हैं, राइट। तो हमें इंश्योर ये करना है कि हमारे पीसी पर ऑलवेज एक अपडेटेड एंटीवायरस होना चाहिए, जिससे कि अटैकर हमें किसी तरह का मालवेयर सेंड करता है तो वो उसे डिटेक्ट कर पाए, राइट। लेकिन अटैकर के पास टेक्निक्स होती है जिससे कि वो इस तरह का मालवेयर डिजाइन कर सकता है जिसे किसी भी एंटीवायरस से डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो, राइट। अब बात करते हैं रैंसमवेयर की। तो रैंसमवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि आपके पीसी के अंदर आने के बाद आपके पीसी के अंदर अवेलेबल ईच एंड एवरी फाइल एंड इन्फॉर्मेशन को वो इंक्रिप्ट कर देता है। इट मीन्स एक बार आपके पीसी में मालवेयर आ गया तो आपके पीसी की सारी फाइल इंक्रिप्ट हो जाएगी, जिसके बाद वो आपसे बोलेगा कि आप उसे पे करें, बिटकॉइन एड्रेस वो आपको देगा, आप पे करेंगे तो ही वो डिक्रिप्ट करने की की आपको देगा। इट मीन्स जब तक आपके पास डिक्रिप्ट करने के लिए वो की नहीं देता है, हम डेटा को रीड या राइट कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को कहा जाता है रैंसमवेयर। आप बोल सकते हैं ये वो वायरसेस होते हैं जो फिरौती मांगते हैं आपसे, राइट। आप पैसा दे तो मैं आपको डेटा दूंगा, वरना नहीं दूंगा, राइट। अब बात करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज की। कंपनी के जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसे अपडेट करने की ज़रूरत है। कई बार जो कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी होती है उसमें भी किसी तरह की वल्नरेबिलिटी अटैकर आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसका यूज़ करके वो हैकिंग को अंजाम दे सकता है। कई बार होता है कि कंपनी की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसे भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है, राइट। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि सिक्योरिटी पॉलिसी प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हो, राइट। कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाती है लेकिन उसे प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं करती है, जिसका एडवांटेज अटैकर को मिलता है, वो सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। आगे चलते बात करते मोबाइल डिवाइसेस की। नंबर ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज की हम बात करें, नंबर ऑफ अटैक वेक्टर्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मोबाइल डिवाइसेस, क्योंकि अटैकर इसको यूज करके आपके नंबर ऑफ सिस्टम को या सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यदि वो लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस चोरी हो जाए तो, राइट। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक एंड्रॉयड फ़ोन है वो चोरी हो जाता है, ठीक है, मैं नया ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी हैकर के हाथ में लग जाती है। अब उससे ये हो सकता है कि उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वो यूटिलाइज करे और नंबर ऑफ सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, राइट। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि मोबाइल डिवाइसेस नेटवर्क की एक वीकनेस होती है और आजकल ये वीकनेस बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लीजिए किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का एंड्रॉयड फ़ोन चोरी हो जाता है। अब उसमें ये हुआ कि उस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के सारे आईडी पासवर्ड भी थे, अटैकर ने उसको यूटिलाइज करा और उस पूरे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, राइट। तो मोबाइल चोरी होना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से जो मोबाइल डिवाइसेस है वो किसी भी नेटवर्क के लिए अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है। कई बार होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो मोबाइल डिवाइसेस को अलाउ नहीं करती है अपने मेन नेटवर्क के अंदर। एक गेस्ट नेटवर्क होता है जिसके अंदर मोबाइल डिवाइसेस अलाउ होती है,
राइट आगे बात करते कि एक हिथिकल हैकर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। देखिए एक हिथिकल हैकर के अंदर सबसे पहली चीज तो उसका जो माइंड सेट है वो ऑलवेज ऑफेंसिव होना चाहिए। इट मीन्स उसे ये पता होना चाहिए हाउ टू हैक इट, हाउ टू क्रैक इट। इट मीन्स पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर है या किसी तरह का कोई एप्लीकेशन है, ओएस है या वेबसाइट है, तो उसका ऑलवेज माइंड ऐसा काम करना चाहिए कि उसे किस तरह से हैक किया जा सकता है, किस तरह से उसे क्रैक किया जा सकता है, किस तरह से हम उसकी वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते, तो ये माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरा उसे लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली PHP, पाइथन एंड सी एंड C++, क्योंकि कई बार हमें कोड कंपाइल करना होता है जो कि सी या सी प्लस प्लस पे होता है, कई बार हमें अपने टूल्स को ऑटोमेट करना होता है वो हम पाइथन से करते, जब हम किसी वेब एप्लीकेशन को पेनिट्रेट करते तो हमें PHP आना चाहिए। ऐसा इसलिए कि PHP वेब एप्लीकेशन के फील्ड में लगभग 75% यूज़ होता है। चलिए आगे हम बात करते कि हैकर हैकिंग करता क्यों है। देखिए पहला जो तरीका होता है, हैकर हैक करते हैं अपनी हॉबी के लिए, उनकी हॉबी है, बस उनको शौक है कि सर्वर को हैक करना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो पहला रीज़न तो यही होता है कि वो हैक करते हैं अपनी हॉबी के लिए। दूसरा रीज़न होता है रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना। मान लीजिए किसी को इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट चलाना है तो उसने पड़ोसी का वाईफाई हैक कर लिया, राइट। तो उसने क्यों हैक करा, क्योंकि उसे उस रिसोर्स का यूटिलाइज करना था। मान लीजिए किसी हैकर को किसी बड़े नेटवर्क पर अटैक लगाना है, तो उसने क्या करा, कई सर्वर्स को कॉम्प्रोमाइज करा, उन सर्वर की पावर से उसने फिर उस बड़े नेटवर्क पर अटैक लगाया, राइट। आगे बात करते अगला होता है इनलीगल एक्टिविटी। देखिए हैकर्स कभी भी किसी तरह की समाज सेवा या फिर किसी तरह की चैरिटी के लिए हैक तो नहीं करता है, कुछ केसेस है जिसमें हैकर ने हैक करके चैरिटी करी है, राइट, लेकिन ऑलवेज ये थिंक उनके माइंड में नहीं होती है। वो हैक क्यों करते, इनलीगल एक्टिविटी के लिए, इट मीन्स किसी तरह की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। कुछ दिन पहले हमने सुना था कि किस तरह से फेसबुक का डेटा ब्रीच करके हैकर ने उसे सेल आउट करा, राइट। तो ये कोई लीगल एक्टिविटी तो नहीं था, ये इनलीगल एक्टिविटी था। आगे हम चलते अब बात करते कि हैकर हैकिंग के नॉलेज के लिए करता है। हाँ जी करता है। अब वो हैकर्स जो कि हैक द बॉक्स को यूज़ करते, वन हब को यूज़ करते या इन्फोसेक वॉरियर को यूज़ करते, ये तीन ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जाके हैकिंग करिए, इनके वर्चुअल सर्वर्स आपको दिए जाते, आप उन पर हैकिंग करिए, आपको कोई क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में करना भी आ जाएगी और आप सीख भी जाएंगे, राइट। तो आप हैक द बॉक्स यूज़ कर सकते, वन हब की मशीन्स यूज़ कर सकते या इन्फोसेक वॉरियर की भी मशीन्स यूज़ कर सकते। इन तीनों की लिंक मैंने आपको ऊपर कार्ड में दिया है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलते बात करते हैं कि कितने टाइप के हैकर्स होते हैं। अब ये कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आई होप आप ये सब जानते होंगे, फिर भी मैं जल्दी से इसे आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट हैक हैकर की। ऐसे हैकर जिन्हें कंपनियाँ अपॉइंट करती है या उन्हें लीगल डॉक्यूमेंट से अप्रूवल देती है कि आप हमारे सर्वर को वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करके हमें बताइए या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके बताइए कि वो सिक्योर है या नहीं है, राइट। तो इस तरह के हैकर को हम बोलते हैं एथिकल हैकर या वाइट हैट हैकर। अब दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर। ऐसे हैकर जिनके पास कंपनी का अप्रूवल नहीं होता है, इट मीन्स वो बिना परमिशन के हैक करने की कोशिश करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैकर या फिर ब्लैक हैट हैकर। अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकर की। ऐसे हैकर जो कि कंपनियां अपॉइंट करती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए, बट उनसे वो सारी चीज़ें हो जाती है जो कि कंपनी ने अलाउ नहीं किया था, तो इस तरह के हैकर्स को ग्रे हैट भी बोला जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं वाइट और ब्लैक दोनों हैट को जब मिलाते हैं तो ग्रे हैट हैकर्स बन जाते हैं। आगे हम चलते बात करते कि जब किसी कंपनी का सर्वर हैक होता है तो उस कंपनी पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए किसी भी कंपनी का सर्वर हैक होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला इम्पैक्ट होता है लॉस ऑफ रेवेन्यू, दूसरा इम्पैक्ट होता है लॉस ऑफ रेपुटेशन, तीसरा इम्पैक्ट होता है लॉस ऑफ बिजनेस,
ये तीन बहुत ही समझाने के लिए, इट मीन्स कंपनी का सर्वर हैक हो गया, जो कस्टमर्स थे उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी वो पब्लिक हो गई। मान लो आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते, कल एक न्यूज़ आती है कि किसी हैकर ग्रुप ने इंस्टाग्राम के सर्वर को हैक कर लिया, वहाँ से सारी डिटेल डाउनलोड कर ली, अब वो उसे पब्लिक कर देंगे, राइट। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि सारे यूजर्स इंस्टाग्राम चलाना बंद कर देंगे, राइट। जब तक वो वल्नरेबिलिटी फिक्स नहीं होती है तब तक तो कोई नहीं चलाएगा, उसके बाद भी लोगों के अंदर ये डर बना रहेगा कि ये एप्लीकेशन हैक हो जाती है, राइट। तो इसी तरह से आप ये मान के चलिए, जब किसी कंपनी का सर्वर हैक होता है तो वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, राइट। वहाँ से कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। आगे हम चलते बात करते हैकिंग फेसेस की। एक हैकर किन चरणों में सर्वर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता है या हैक करता है? अब देखिए, मैं पहले आपको हैकर की स्टेप्स बता रहा हूँ, फिर हम इथिकल हैकर पर आ जाएंगे, राइट। तो हैकिंग फेसेस की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो फेस होता है वो होता है रिकॉनसेंस, इसे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए इंडियन आर्मी को किसी टेररिस्ट कैंप पर अटैक करना है, तो अब इंडियन आर्मी डायरेक्टली जाके अटैक तो नहीं करेगी, अटैक करने के पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करती है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग दो तरह से किए जाते हैं, एक होता है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा होता है एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इट मीन्स आर्मी कुछ ऐसे लोगों को कॉन्टेक्ट करती है जो कि उस एरिया के अंदर उनके जासूस बन के रहते हैं, उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकालती है कि टारगेट में कितने लोग हैं, क्या वेपन्स है, कितना डैमेज हो सकता है, कितनी फोर्स की हमें ज़रूरत होगी अटैक करने के लिए, वो सारी डिटेल वो एक थर्ड पार्टी सोर्स का यूटिलाइज करके निकालते हैं। वैसे ही एक अटैकर भी टारगेट पे अटैक करने से पहले वो सारे सोर्स को यूटिलाइज करता है जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करा सके। इस मेथड को कहा जाता है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब इसी बिहाब पर इंडियन आर्मी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आई है उसको यूटिलाइज करके एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करती है, इट मीन्स वो अपने सोल्जर्स को या अपने रिसोर्सेज को उस टारगेट लोकेशन पर भेजती है जिससे कि और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसा आप बोल सकते हैं कि अटैकर भी यही करता है, सबसे पहले उसने पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करा जिसके बिहाफ पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करके डायरेक्ट सर्वर से अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, इसे हम बोलेंगे एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या एक्टिव रिकॉनसेंस। अगले फेज पर हम आते बात करते स्कैनिंग की। अटैकर के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद, उसके बिहाफ पर वो आगे स्टेप लेता है स्कैनिंग की। आप ऐसा बोल सकते हैं इंडियन आर्मी को ये पता चल गया है कि टारगेट की एक्यूरेट लोकेशन क्या है, अब इंडियन आर्मी क्या करेगी, उस टारगेट की एक्यूरेट लोकेशन के ऊपर जो भी एरिया आता है वहाँ से वो वीकनेस एरिया को आइडेंटिफाई करेगी, इनमें वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करेगी जिसका वो यूटिलाइज कर पाए और अटैक कर पाए। वैसे ही हैकर भी ऐसे ही करता है कि जो एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उसको वो यूज़ करेगा जिससे कि वो सर्वर की सर्विसेज, वल्नरेबिलिटीज़ और पोर्ट्स को पता कर पाए। अब अटैकर क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद उसे डेटा मिला है उसको यूटिलाइज करेगा, उस डेटा में भी पॉसिबल उसे सर्वर के आईपी या होस्ट नेम मिल जाते उसका वो यूटिलाइज करता है, वो सर्वर की वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग करने से जो उसे आउटपुट मिलता है वो ये हो सकता है कि सर्वर का ओएस क्या है वो उसे पता चल सकता है, सर्वर पर कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग में वो उसे पता चल सकती है, उन सर्विसेज का वर्जन क्या है वो उसे पता चल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसे ये भी पता लग सकता है कि सर्वर पर जो सर्विस चल रही है वो वल्नरेबल है या नहीं है। यदि वल्नरेबल है तो वो अगली स्टेप लेगा, वो सर्वर को एक्सप्लॉइट करेगा, राइट। इस स्टेप को हम बोलते हैं गेनिंग एक्सेस। ये तीसरा स्टेप होता है जो अटैकर लेता है। सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करा, फिर सर्वर को आइडेंटिफाई करा, सर्वर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करी, उसके वर्जन को आइडेंटिफाई करा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब उस वल्नरेबिलिटीज़ को वो यूज़ करेगा, उसका एक्सप्लॉइट सर्च करेगा, एक्सप्लॉइट को यूज़ करके उस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेगा और सर्वर का रिमोट कनेक्शन बना लेगा।
आप बोल सकते हैं उसे उस सर्वर का रिमोट एसेस मिल जाएगा, इसे हम बोलते हैं गेनिंग एसेस। इट मीन्स उस सर्वर को वो रिमोटली एसेस करेगा और जो भी उसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल लेगा, तो हम बोलते हैं इसे गेनिंग एसेस, राइट। तो गेनिंग एसेस हो सकता है ये किसी तरह की वीकनेस आईडी पासवर्ड की हो सकता है किसी सर्वर की वल्नरेबिलिटी की हो सकता है सर्विस की वल्नरेबिलिटी हो सकता है ये मिसकॉन्फिगर की वल्नरेबिलिटी हो, राइट। आगे हम बात करते फेस नंबर 4। इट मीन्स जिस तरह से उसने सर्वर को एसेस करा है, इन तीन स्टेप के बाद एसेस करा है, तो हर बार उसे यही करना पड़ेगा यदि वो कोई बैकडोर प्लान नहीं करता है। तो अटैकर्स क्या करते हैं, सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद उसमें किसी तरह का बैकडोर प्लान कर देते जिससे कि वो उस सर्वर को रिमोटली किसी भी लोकेशन से एसेस कर पाए। इट मीन्स उसे बार बार इन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना पड़े, राइट। तो हमेशा ये ही वो स्टेप लेते कि सर्वर पर वो बैकडोर प्लान कर देते। आगे हम बात करते नंबर फाइव। इट मीन्स क्लियर द लॉक्स, इसे आप बोल सकते हैं क्लियर द ट्रैक्स। इट मीन्स कि जिस रास्ते से वो आए वो रास्ता पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाए जिससे कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को ये ना पता चले कि सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, राइट। तो जो भी वो एक्टिविटी करते उन सबको वो क्लियर करके जाते जिससे कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर ऑनर को ये कभी ना पता चले कि उसका सर्वर हैक हो चुका है, राइट। तो अब देखिए ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताई ये तो हैकर यूज़ करता है सर्वर को हैक करने के लिए। आप इथिकल हैकर क्या करता है, इथिकल हैकर भी इन 5 स्टेप्स को करता है, लेकिन छठी जो स्टेप होती है वो होती है रिपोर्टिंग। इट मीन्स जो भी उसने एक्टिविटी करी है उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा और कंपनी को सबमिट करेगा या सर्वर ऑनर को सबमिट करेगा जिससे कि वो उस वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर पाए। इट मीन्स एक इथिकल हैकर का जॉब होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिशन, कि उसने जो भी एक्टिविटी करी है उसका एक फाइनल रिपोर्ट बनाए वो कंपनी को दे जिससे कंपनी अपने सर्वर्स को अटैकर से या हैकर से प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। आई थिंक ये 6 स्टेप आपको हमेशा याद रहेगी। आगे हम चलते बात करते वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की। अब देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाया कि एक हैकर या एक इथिकल हैकर क्या स्टेप लेता है। अब लेकिन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है, जो इथिकल हैकर होता है वो केवल वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है और अपनी स्टेप वहीं रोक लेता है। इट मीन्स वो आगे जाके उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और उस रिपोर्ट को ऑनर को देगा कि शायद ये वल्नरेबिलिटी आपके सर्वर में एग्जिस्ट कर रही है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में जो टेस्टर होता है या जो इथिकल हैकर होता है उसके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं जिसका वो यूटिलाइज करके स्कैनिंग करता है, नंबर ऑफ ऑटोमेशन टूल को ही यूज़ करता है और जो कि उस केवल और केवल वही वल्नरेबिलिटी उसे ला कर देती है जो कि पहले से नोन है। इट मीन्स उस वो एक स्कैनर यूज़ कर रहा है, स्कैनर का अपना डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, उन्हीं वल्नरेबिलिटी को वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग इट मीन्स वही सारी स्टेप जो मैंने आपको अभी बताया कि एक इथिकल हैकर लेता है और वो उन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को मैनुअल और ऑटोमेट टूल्स दोनों का यूटिलाइज करके उन्हें एक्सप्लॉइट भी करता है, जबकि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में केवल वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में उन वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सप्लॉइट करके फिर रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। ऐसा आप बोल सकते हैं जो एक हैकर करता है वही सारे काम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी किए जाते हैं, राइट। तो मैंने आपको एस मच एज सिंपलेस्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपको समझाया कि किस तरह से किया जाता है और दोनों में क्या अंतर होता है। आई थिंक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस थ्योरी सेक्शन में दिया है जो कि आगे हम यूटिलाइज करेंगे और आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पहली क्लास का फीडबैक देंगे जिसके बाद मैं आपके लिए और अच्छी सी क्लास लेकर आऊँगा। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया, ये ऑलवेज आप माइंड में रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।